नेडा की ये तीसरी बृहद बैठक है और मुझे कहने में आनंद है कि आज तीसरी बार जब हम लोग मिल रहे हैं तो नेडा जिस उद्देश्य के साथ नेडा की स्थापना की थी वो उद्देश्य को हासिल करने में हम बहुत आगे निकल चुके हैं और एक सफल प्रवास हमारा 2 साल का हुआ। जब 2016 में नेडा का गठन हुआ उसी दिन असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ हुआ था और असम चुनाव में जब मैं असम के अंदर दौरा करता था तब नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कार्यकर्ता यहां पर प्रचार के लिए आए हुए थे, कहीं ना कहीं मिलते थे, उनके साथ चर्चा होती थी, बातें होती थी और दिखता था कि सब लोग अपने अपने राज्य की सोच रहे हैं। और उसी वक्त एक विचार आया था कि समग्र नॉर्थ ईस्ट को अगर भारत के साथ एकात्मता का अनुभव कराना है तो एक ऐसा फोरम बनाना होगा जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक संगठन का काम कर सके। और उसी में से इन नेडा का जन्म हुआ था। मित्रों, जब देश में आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें चली, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की रचना हुई, कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को बहुमत जुटाने का एक साधन पाया। केंद्र में सरकार चाहिए तो एमपी चाहिए, यहां पर चीफ मिनिस्टर चाहिए, इतने सीमित आशय के लिए कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो अटल जी की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नॉर्थ ईस्ट के अधिकार को एक्नोलेज करने का काम किया है। जितना अधिकार देश के बाकी राज्यों का है उससे भी ज्यादा अधिकार भारत के संसाधनों पर नॉर्थ ईस्ट का है, ये भारतीय जनता पार्टी तत्वतः मानती है। और इसीलिए नेडा की स्थापना के वक्त हमने तय किया था कि नेडा कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनेगा। पॉलिटिकल अलायंस तो होगा ही क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आ रही, मगर पॉलिटिकल अलायंस होने के साथ साथ ये सिर्फ रीजनल अलायंस भी नहीं बनेगा, भौगोलिक अलायंस भी नहीं बनेगा, भौगोलिक गठबंधन भी होगा क्योंकि एक भूगोल के आधार पर एक गठबंधन का विचार किया गया है, जियोग्राफी के आधार पर एक गठबंधन का विचार किया है, मगर हम इसको जियो कल्चर गठबंधन बनाएंगे, भू सांस्कृतिक गठबंधन बनाएंगे और नॉर्थ ईस्ट की सभी संस्कृतियों का एक जुट करने का एक गठबंधन बनाएंगे। और इसीलिए नेडा की स्थापना की थी। नॉर्थ ईस्ट, मैं मानता हूं हिंदुस्तान के लिए, मोदी जी हमेशा कहते हैं अष्टलक्ष्मी, 5 करोड़ की जनसंख्या, 4% जनसंख्या और 8% भूभाग, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की सीमाओं का एक बार नक्शे पे रख कर देख ले तो बांग्लादेश, नेपाल, चीन, बर्मा और भूटान, ये 5 देशों की भूभाग नॉर्थ ईस्ट से छूता है। और स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार की अलग अलग संस्कृतियां, बोलियां, जनजातियां यहां पर बसती हैं। लगभग 217 जनजातियां यहां पर रहती है मित्रों, और मैं मानता हूं कि 217 की 17 जनजातियों को नॉर्थ ईस्ट अलायंस ने रिप्रेजेंट करना चाहिए। और इसीलिए
नेडा की स्थापना हमने की थी और मुझे आनंद है कि नेडा का व्याप 8 राज्यों में है। 8 राज्यों में से 7 राज्यों में नेडा के सदस्य और उसके मुख्यमंत्री आज इस मंच पर दिखाई दे। बहुत कम समय के अंदर हमने उपलब्धियों को हासिल किया है। गत बैठक में जब हम दिल्ली में मिले, इसके बाद नागालैंड जीते, इसके बाद मेघालय जीते और त्रिपुरा के अंदर 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेडा की सरकार चल रही। ये 3 नए राज्य हमारे साथ जुड़े हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पहले यहां पर सदस्य नाते बैठते थे, आज मुख्यमंत्री नाते बैठते हैं। मैं नेडा के सभी सदस्यों की ओर से 3 मुख्यमंत्रियों को बधाई भी देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, नेडा की स्थापना करी इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के शासन से बदनामी झेलनी पड़ी थी। पूर्वोत्तर का विकास, पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति, पूर्वोत्तर का भौगोलिक महत्व, ये सारी चीजें धरी की धरी रह गई। मैं नहीं मानता कि देश में किसी भी क्षेत्र में इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज होगी। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में गया हूं, रात्रि निवास भी किया है। यहां की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, न केवल हिंदुस्तान, दुनिया भर के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर इतनी समृद्ध संस्कृति नॉर्थ ईस्ट जितनी कहीं नहीं दिखाई। इतनी विविधता, इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, इतने अलग अलग रिवाज, रस्में, अलग अलग जनजातियां अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नेडा के तत्वाधान के अंदर ही ये पूर्वोत्तर को संकीर्णतावाद से हम दूर करेंगे। पूरा हिंदुस्तान पूर्वोत्तर की चिंता करेगा, नॉर्थ ईस्ट की चिंता करेगा और पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने आप को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा मानेगा, तभी जाकर नेडा सफल हो सकता है। अलगाववाद जब इतनी विविधताओं के साथ इतने छोटे से क्षेत्र के अंदर लोग जीते हैं और जब कोई भेद करने का प्रयास करता है तो अलगाववाद स्वाभाविक रूप से सरफेस पर आता है। मगर नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलगाववाद से मुक्त करने की दिशा में सफल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने अपने सीमित विचार करने की जगह एक रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर समग्र क्षेत्र का कैसे विकास हो सकता है, मेरे राज्य का तो विकास हो ही, परंतु साथ में साथ पूरे क्षेत्र का कैसे विकास होता है इसकी बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नेडा अपने काम में सफल हुआ। पहले सीमाओं के लिए झगड़े होते थे, आज बोडोलैंड के अध्यक्ष ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने कहा कि नागालैंड की और इसकी सीमा का विवाद सुलझना चाहिए। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया जाता था, बदनाम क्या किया जाता था, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें थी। धीरे 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 नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बढ़ी, आज नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र ब्रीफकेस पॉलिटिक्स से आगे जाकर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ रहा है। जो संसाधन जा रहे हैं केंद्र से उसका सटीक उपयोग हो रहा है, गरीब व्यक्ति के हाथ में जा रहे हैं और ये विकास का जो एक नया दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मैं मानता हूं कि अगले 1-2 दशक के बाद नॉर्थ ईस्ट राष्ट्रीय विकास दर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनने वाला है, उसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं। देश के विकास के अंदर नॉर्थ ईस्ट की हिस्सेदारी
अपने भूभाग और अपनी जनसंख्या से कई गुना ज्यादा होने वाली है। और ये पहले था, आजादी के पहले आसाम का जीडीपी देश में सबसे हाईएस्ट था। मैं आसाम कहता हूं तो उस वक्त सारा नॉर्थ ईस्ट आसाम के अंदर आता था। क्या हुआ, क्यों इतने पिछड़ गए? एक ही काम हुआ, 50 साल तक 60 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही और नॉर्थ ईस्ट पिछड़ गया। अब नॉर्थ ईस्ट की जनता ने उचित ही निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की धुरा सौंपी है। मुझे भरोसा है फिर से एक बार पूर्व आजादी के जो स्थिति थी, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट नॉर्थ ईस्ट का था, आज भी मुझे भरोसा है सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है। अभी अभी हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी ने मुझे चिट्ठी पकड़ाई कि मैं बोलना भूल गया हूं, अमित भाई आप बोलिए। सिर्फ अरुणाचल में स्टेट ओन फंड, स्टेट की रेवेन्यू 900 करोड़ से बढ़ाकर 1600 करोड़ तक ले जाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफलता।